السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أحكام التجارة كبيان شرع और उसमें हमने गुजत हफ़्ते मैंने कुछ शर्तें बयान की और वो सारी अभी तक की जो हमारी बातें चल रही है जो शर्त चल रही है वो माल के तल्ल से हैं वो चीज़ जिसे बेचा जाता है तो उसी में एक शर्त हमने गुजत इतवार थोड़ा सा बयान किया वे कि वो काबिल इंतफा होबिल फ़ायदा हो, हो। अगरचे उसका फ़ायदा फ्यूचर में होने वाला हो अभी उसके उससे फ़ायदा हासिल न कर सकते हो फ्यूचर में कर सकते हो लेकिन वो फ़ायदे यानी यूज़ेबल हो और फ़ायदे की चीज़ हो जैसे कि किसी जानवर का बच्चा तो अभी बच्चा खरीद रहे हैं तो वो तो किसी काम का नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो काम आएगा तो उसकी बेजाइज़ है दुरुस्त है अगरचे उसकी माँ ना हो माँ और बच्चे को अलग करना नहीं चाहिए कि माँ अलग रह जाए बच्चा बेच दे दोनों को जुदा नहीं करना चाहिए इसलिए कि उसे उसके दूध की ज़रूरत है लेकिन अगर उसकी माँ मर गई तो फिर ऐसे बच्चे को भी बेचा जा सकता है इसी तरह से ऐसी चीज़ें जो हषरातुलर्द है कीड़े मकोड़े हैं च्यूटियाँ ये सारी चीज़ों की बै दुरुस्त नहीं है इसलिए वो किसी काम के नहीं है ना सांप वगैरह है हाँ ये कोई कह सकता है कि भाई फना जगह तो काम के हैं भाई चाइना वाले तो खा जाते हैं कॉकरोच भी पकड़ के तो वहाँ तो काम के हैं तो हमारे नज़दीक वो काम के नहीं है इसलिए कि वो खाने की चीज़ें ही नहीं है तो उनकी बै भी दुरुस्त नहीं है आप सोचो क्या चाइना में कॉकरोच का बिज़नेस जो है ना बहुत प्रॉफिटेबल है तो इस वजह से चलो यहाँ से सारे कॉकरोच मैं सप्लाई करता हूँ वहाँ जाके पर, हमारे लिए जायज़ नहीं है वो खाते हैं तो अलग बात है उनकी मर्ज़ी की बात है लेकिन हमारे जाए हाँ ऐसे चीज़ें कि जो शरीयत में जायज़ है खाना तो वो यानी कि हम बेच सकते हैं और उसका भी इतना जायज़ है इसी तरह से शहद की मक्खी वगैरह तो उससे फ़ायदा हो सकता है शहद की मक्खी अगर आप यानी उसे बेचते हैं तो वो क्या छत्ता बनाकर शहद यानी कि ऑर्गेनिक तौर पर शहद बना सकते हैं इस तरह खेती की जाती है तो वो बेचना जायज़ है इसी तरह मछलियाँ है ना कुछ मछलियाँ यानी कि वो शो शोकेस में रखने के लिए बेची जाती है तो वो भी बेचना जायज़ है खाने के लिए तो जायज़ ही है लेकिन शोकेस में शोपीस जो होती है वो भी जायज़ है इसी तरह से कबूतर वगैरह वो बेचना ख़रीदना दोनों जायज़ है और वो एक ये एक यानी कि जंगली कबूतर एक ऐसा कबूतर जो जंगली कबूतर आपका पाला हुआ नहीं है तो ऐसे को बेचना जायज़ नहीं है इसलिए क्यों तो रहेगा नहीं जैसे ही ज़रा सा हाथ में से छटका के निकल जाएगा तो अगर आपने उसे पाल लिया फिर बेच सकते हैं आप यानी कि घास आपकी ज़मीन में उगी हुई घास और आपकी ज़मीन के अंदर से होता हुआ गुजरता पानी ये सारी चीज़ें नहर का पानी या इस तरह का पानी वो जो है वो आपके कब्ज़े की चीज़ नहीं आप किसी को उससे रोक नहीं सकते आप फल से तो रोक सकते हैं आपके दरख्त पर लगे हुए फ्रूट फल हैं या खेती है आप उससे तो रोक सकते हैं कि भाई वो मैं, यानी मैं इसका मालिक हूँ मैंने उगाया मैं मालिक हूँ कोई तोड़ेगा नहीं कोई लेगा नहीं लेकिन वो घास वो तो खुद से उगाई है तो घास से किसी को रोका नहीं जा सकता वो घास कोई भी ले जा सकता वो सबके लिए है वो घास जो है वो सबके लिए है तो उससे किसी को रोका नहीं जा सकता अब च्यूटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं बेची जा सकती जो चीज़ें यूजेबल हो फ्यूचर में ही सही तो उसे बेचना जायज़ है उसे बेच सकते हैं इसी तरह से शायद की मक्की मक्खी की तरह रेशम के कीड़े वो भी बेचते हैं कि रेशम के कीड़े बेचें और उसमें यानी कि फिर खेती की जाती है ऑर्गेनिक तौर पर तो रेशम के कीड़े वगैरह बेचना और जोंक जोंक यानी जोंक वो यानी अब जोंक ही कहते हैं शायद उसको जो चिपक जाती है और पूरा खून चूसना शुरू करती है ना तो उसे कहते हैं जोंक और ये जोंक जो है इसे बेचना जायज़ है इसलिए कि इसके ज़रिए से भी यानी ये भी काम है इसका भी काम आता है यूज़ेबल है और यूज़ेबल यूँ है अब तो नहीं लेकिन पुराने ज़माने में है ना फासिद खून निकालने के लिए भी इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता था चाइना वगैरह में भी इसका आ, इलाज होता था वो जौ कैसे चिपका देते थे वो खून चूसना शुरू करती जैसे आजकल कप थेरापी है है ना जिसे फसद लगाना कहते हैं हिजामा कहते हैं हिजामा करना अल्लाह के कर, रसूल की सुनना तो वो यानी कि कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि जोंक लगा देते हैं और जोंक ऐसे लगा दी वो सारा खून यानी चूसना शुरू कर दी फिर उस पर नमक या कुछ ऐसा डालते उसको अलग कर देते हैं लेकिन शायद वो मर भी जाती है यानी नमक डालो तो मर जाती है और लेकिन अलग हो जाती है बहरहाल तो इस तरह जोंक बेचना चूँकि वो आ, काम आती है इसलिए ये भी जायज़ है इसी तरह से यानी कि बिल्ली है हाथी है अब हाथी को क्यों बंदा ख़रीदेगा तो या तो सवारी के लिए या लड़ाई के लिए जंग के लिए इसी तरह के काम के लिए हो सकता है और कहा जाता है कि हाथी आ, को जो है खरीदने से ज़्यादा उसको पालना बड़ा महंगा है तो बहरहाल अगर किसी में हिम्मत है और पाल सकता है तो पाले उस सवारी बनाने के लिए या जंग के लिए इसी तरह से आ, कोई शिकारी यानी कि जानवर हो या परिंदा हो तो उसे भी खरीदो ख़रीदा जा सकता है बेचा जा सकता है इस तरह के जानवरों को इसी तरह से यानी कोई ऐसी चीज़ दो गेहूं के दाने ये बेचना जायज़ नहीं है इसलिए कि को कोई खरीदेगा भी नहीं लेकिन अगर को कोई ख़रीदता भी हो तो बेचना जायज़ नहीं है दो गेहूं के दाने है ना पाँच किशमिश तो ये इतने यानी कि कम क्वांटिटी जो है वो कोई लेता नहीं है ख़रीदता नहीं अच्छा अब आजकल हमारे यहाँ इलायची देख लें तो वो कम क्वान्टिट्टी में भी बिक जाती है गिन के पाँच दाने भी बिक जाएंगे इसलिए को बड़ी महंगी आती है तो इलायची वो बेची जा सकती है कम क्वान्टी जिसकी जैसी औकात और जिसकी जैसी हैसियत अब गेहूँ चावल में दो चार दाने पाँच दाने तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना तो जो वो वैल्यूएबल नहीं है तो फिर उसको बेचना भी जायज़ नहीं है उसको ख़रीदना भी जायज़ नहीं है और गेहूँ चावल क्वान्टिटी ही में बेचना जायज़ है इसी तरह से एक पाँचवीं शर्त ये है पाँचवीं यानी कि माल के ताल्लुक से पाँचवीं शर्त यह है ये अभी माल ही की सारी शर्तें चल रही हैं माल के ताल्लुक से एक शर्त पाँचवीं ये है कि वो काबिल सुपुर्द होना चाहिए यानी हम उसे दे सकते हों हम उसे हवाले कर सकते हो मिसाल के तौर पर आपने अगर मुझसे मोबाइल ख़रीदा या घड़ी खरीदी या मेरा चश्मा ख़रीदा तो मैं इसको दे सकता हूँ ठीक है लेकिन ये कि अगर वो काबिल सुपुर्दगी ना हो या ऐसा यानी ऐसा माल है कि जो हम दे नहीं सकते सुपुर्द नहीं हवाले नहीं कर सकते ख़रीदने वाले को तो ऐसे माल को बेचना जायज़ नहीं है और उसकी मिसाल ऐसे जैसे कि हवा में उड़ता परिंदा देख वो कबूतर उड़ के जा रहा है मैंने तुझे सौ रुपये में बेचा कब देगा कैसे देगा है ना हाँ अलबत्त यह कि उसका पाला हुआ है उसको पता है कि हाँ भाई ये मेरा जा रहा है और वो आएगा वापस शाम तक तो आ जाएगा या दोपहर में आ जाएगा कभी भी आ जाएगा लौट कर तो ऐसे की बै जायज है लेकिन वो बै मौकूफ़ रहेगी यानी ये खरीदो फरोख्त मौकूफ़ रहेगी जब वो आ जाएगा और ये उसको देगा तब जाकर बह कंप्लीट होगी वरना तो अभी हाफ़ हाफ सिर्फ सौदा हुआ है कि हाँ भाई मैंने सौ रुपए में ये कबूतर बेचा देखिए उड़ के जा रहा है ये कबूतर मैंने सौ में बेचा और ये वो कबूतर के जो पला हुआ है इसके पास पाला हुआ है और इसको पता यकीन है कि वो शाम को आ ही जाता है उसकी आदत है तो ऐसे की बजाय एक यानी कि चीज़ जो भाग गई है मिसाल के और पर आपकी बकरी गुम हो गई है कहीं भाग गई या कोई चुरा कर ले गया और आपने कहा तूने मेरी बकरी देखी थी कि नहीं यहाँ बंदी हुई रहती थी वो मैंने तुझे हज़ार रुपये में बेची है ही नहीं अगर आप वो हज़ार दे भी देगा क्या हाँ चलो ठीक है लो हज़ार तो लाओ बकरी बकरी तो दे नहीं सकता इसलिए कभी है ही नहीं तो ऐसी चीज़ बेचना दुरुस्त नहीं है हाँ वो चीज़ अगर उसके कंट्रोल में है कि वो उसको सुपुत कर यानी बकरी उसको पता है कि बकरी जो है गायब है सुबह से चली गई है लेकिन उसको ये भी यकीन है कि शाम होते होते हो, तो वो घर ढूंढ कर वापस आनी ही आनी है कुछ बकरियाँ ऐसी होती हैं सुबह से छोड़ो तो चले जाएंगे चरने के लिए चर चर कर फिर शाम को फिर अपने घर वापस आ जाते हैं गधा है बकरी है या कोई ऐसा जान। तो ऐसी जानवर तो ऐसे जानवर हों तो जायज़ है बेचना लेकिन ये मैं अभी यानी कि अनकम्प्लीट रहेगी जब तक कि वो उसके हवाले ना कर दे। तो ये एक शर्त है माल की कि वो माल हमारे कंट्रोल में होना चाहिए हम उसको हवाले कर सकते हो अगर हमने बेचा तो हम उसको हवाले भी कर सकते हो इसी तरह से मछलियाँ एक तालाब में या है तो मैंने तुझसे जो है एक मछली यानी ये जाल डाला जो मछलियाँ मैंने इतने में ख़रीदी तो ये भी जायज़ नहीं है इसलिए कि भाई आए ना आए पता नहीं है कचरा आ जाए जो भी जाल में से निकले वो खरीदा तो भाई मछली आए अल्लाह आए और फिर ये कि एक मछली तैरती हुई जा रही है देख वो मछली मैंने तुझे पाँच सौ में बेची तो वो तो कब निकल जाएगी हाथ आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है तो ऐसी बेजायज नहीं है तालाब में जो मछलियाँ होती हैं ना वो किसी की ती प्रॉपर्टी नहीं होती वो पूरे गाँव वालों की होती है वो पकड़ते हैं और पकड़ के जिसके हाथ आएगी वो मालिक जिसके हाथ आएगी वो मालिक और वो बेच सकता है तो ये एक उसका यानी कि क़ानून है इसी तरह से अगर आ, किसी बनते ने जो है ना इजाबर कबूल तो कर लिया यानी कि एक ऐसी चीज़ थी कि जो उससे यानी कि समझो चोरी हो गई थी बकरी उसे पता है क्या यार बंधी हुई थी कोई काट कर रस्सी काट कर या खोल कर ले गया और मेरी बकरी चोरी हो गई पता है उसको तो अब ऐसी बकरी को उसने बेच दिया तो बेहतर नहीं होगी यानी कि ये कम्प्लीट नहीं हुआ सौदा लेकिन ये कि अब दोबारा वो आ गई यानी उसको अफसोस हुआ जो चुरा गया था उसी को अफसोस हुआ या पता नहीं पकड़ा गया जो भी हुआ बहरहाल बकरी वापस आई तो उस सूरत में ये नहीं कि यार अपने ने तो बात हुई थी नहीं अब दोबारा से ख़रीदो फरोख्त करनी पड़ेगी दोबारा से है ना बेचना या ख़रीदना पड़ेगा तब जाकर वो बह होगी इसी तरह से माल की एक छठी शर्त है वो ये कि मबी का जिसे बेचा जा रहा है जो चीज़ बेची जा रही है उसे कहते हैं मबी तो जो चीज़ बेची जा रही है वो मालूम होनी चाहिए मुतन होनी चाहिए मालूम हो और मत हो अब ये कि एक ढेर गेहूं का लगा हुआ है और आपने उसमें से कहा कि एक किलो गेहूं इसमें से एक किलो गेहूं मैंने तुम्हें बेचे ये जायज़ नहीं है जब तक ये पता ना हो कि कितने हैं अरे आपने यानी आ, कोई ऐसी चीज़ आप बेच रहे हैं कि जिसकी मकदार मालूम नहीं है या वो चीज़ जो है मुतन नहीं है वो चीज़ मुतन नहीं है आप यानी कि चले गए बकरा मंडी में बकर के मौके पर और वहाँ बकरों की यानी कि बिल्कुल भीड़ लगी हुई है और बंदा जो आपको यूं बेच रहा है कि इसमें से एक बकरा मैंने आपको बीस हज़ार में बेचा इसमें से एक बकरा मैंने आपको बीस हजार में बेचा आप देखा बहुत अच्छी बात है मैंने खरीदा लेकिन ये तो पता कौन सा अब अगर सौदा हो गया तो फिर क्या होगा वो कहेगा भाई मैंने तो ये बेचा आप कहेगा यार इतना सा बीस हज़ार नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए होगा नहीं आपने खरीद लिया आपको लेना पड़ेगा तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा वो बोलेगा मैं तो ये समझा था वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये बेचा था लड़ाई झगड़ा होगा तो ये यानी इतने सारे बकरों में मैंने एक बकरा बेचा कौन सा पता नहीं है तो जो चीज़ बेची जा रही है वो मुतन नहीं है तो बह दुरुस्त नहीं होगी तो जो चीज़ बेची जा रही हो वो मुतन होनी चाहिए और मुतन होने के साथ साथ मालूम होनी चाहिए दोनों चीज़ें हैं आपने यानी कि मिसाल के तौर पर गेहूँ चावल या आजकल कपड़ा वगैरह पहले के ज़माने में तो खैर पहले में यानी क्वालिटी होती थी वैरायटी होती थी लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा तो उसके अवसाफ़ भी पता होने चाहिए कि भाई ये गेहूँ ऐसा है या चावल वैसा एक होता है कोलम एक होता है यानी कि कंट्रोल का है ना राशन की दुकान से जो लिया जाता है और एक होता है बासमती तो सब में फ़र्क है अब आपने कहा कि भाई मैंने मुझे चावल ख़रीदने हैं और आपने कहा कि ठीक है चल तेरे तो को बीस रुपया किलो के हिसाब से दे दिया ये सोच रहा अच्छा यार मार्केट में तो बत्तीस पैंतीस का भाव है बीस ही में दे रहा है बहुत अच्छी बात है कितने चाहिए क्या सौ किलो ले लेता हूँ क्या बहुत अच्छी बात है आपने पैसा दे दिया अब वो जाकर निकालना है तो गहूँ यानी कि वो चावल ऐसे निकले वो मोटे मोटे है ना राशन की दुकान में दो रुपया किलो वाले है ना तो आप उसको मारेंगे पकड़ के भाई ये नहीं चाहिए मुझे उसने कहा भाई मैंने चावल बेचे तो ने खरीदे बात तो हो गया हमारी बात तो हुई है और ये देख चावल ही है तो ये यानी कि हर वो यानी कि सौदा कि जिसमें थोड़ी सी जहालत हो यानी कुछ छुपा हुआ हो और जिसमें झगड़ा होने का इम्कान हो लड़ाई झगड़ा हो सकता हो वो बे इस्लाम में जायज़ नहीं है ऐसी कोई बे इस्लाम में जायज़ नहीं तो आ, जो चीज़ बेची जा रही है वो मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ मुतन भी होना चाहिए कि ये ये ऐसा मुतलक़ा नहीं किया था कि भाई मेरे यहाँ गेहूँ जो है ना उसमें से मैंने पचास किलो बेचे वो कौन कौन से गेहूँ हैं कैसे गेहूँ हैं कंकर वाले हैं या साफ़ सुथरे हैं वो सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए मुतन और आजकल तो हमारे यहाँ नाम से बिकते हैं भाई शरबती गेहूँ है तो फ़ना मध्य प्रदेश के गेहूँ है तो यहाँ के गेहूँ वहाँ के गेहूँ तो हर एक के इसी तरह चावल में क्वालिटीज़ आती है और दूसरी सारी चीज़ों में भी जुआर देखें तो एक प्लास्टिक की यानी प्लास्टिक जुआर आती है और एक औरजिनल जुआार आती है एक सफ़ेद सफ़ेद होती है एक जो है वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है तो दोनों में फ़र्क है वो सफ़ेद वाली बिल्कुल प्लास्टिक नकली माल है तो ये फिक्स होना चाहिए जोार के नाम पर बेच तो दिया और फिर वो प्लास्टिक वाली जरा तो पता चला कि इसी तरह से चाइना वालों ने तो प्लास्टिक के चावल भी बना डाले हैं है ना तो ये इस तरह की यानी चीज़ें जो वो हमें पता होनी चाहिए और तभी जाकर वो बेमत यानी कि होगी इसी तरह से अब ये के मुतय और मालूम होनी चाहिए साथ में और भी यानी कि वो देख भी ले अभी आपने देखा नहीं है माल तो फिर ये कि आप देखेंगे तब जाकर वो बै क्या हो जाएगी कन्फर्म हो जाएगी आप हालांकि वो सारे मसाइल आगे चल कर आएंगे, है है नेक्स्ट यानी वीक्स में हम बात करेंगे उस पर कि अगर कोई चीज़ ऐसी आपने ख़रीद ली या बेच दी कि जो देखी हुई नहीं है यानी आपकी तो, आपकी चीज़ आपने देखी हुई है लेकिन आप जिसको रहे हैं उसने अभी देखी नहीं मिसाल के ऊपर एक ज़मीन ही आपने सिर्फ माप बता दिया एक लोकेशन बता दिया कि इस लोकेशन पर ऐसे ऐसे आजू बाजू की सारी आपने चीज़ें बता दी और वहाँ मेरी यानी कि ज़मीन है या फ्लैट है या मकान या जो भी है आपने बता दिया कैसा है तो अगर तो आपको ख़रीदना हो तो मेरे पास ये इस टाइप का मकान है उसने कहा है, चलो ठीक है अब वो गया देखने तो वहाँ देख पता चला कि खंडर है बिल्कुल बिल्कुल खंडर है नहीं लेने लायक है यानी ले नहीं लेने के लायक नहीं है तो बाद में पता चला पहले सौदा हो गया अब वो कहे कि भाई सौदा तो हो गया तुमने तो हाँ बोल दिया था और तुमने तो बयाना भी दे दिया क्या बाना कहते हैं उसको असल में अरबी लफ्ज़ है बयाना उसी से बयाना को बिगाड़ कर बाना कर दिया तो वो भी दिया हुआ है बयाना भी दिया हुआ है तो अब तो तुमको लेना ही पड़ेगा पुराने ज़माने में ऐसी बह होती थी वो भी आगे चल कर आएगी लेकिन अभी मैं बता देता हूँ पहले के ज़माने में ऐसी होती थी हम बचपन में हम छोटे थे तो हमने सुना तो हमने देखी भी थी बॉम्बे वगैरह में यानी कि फुटपाथ पर और बहुत से शहरों में बड़ी सिटीज़ में फुटपाथ पर लेकर बैठते थे ना तो अगर उसने पकड़ लिया ये चीज़ है नई पचास रुपया पचास रुपया तो उसने ऐसे देखने के लिए लिया हाथ लगा दिया ना हो गई तुम्हारी अब पैसे या तो दो या सामान तो तुम्हारा लेना ही पड़ेगा ये ज़बरदस्ती के सौदे होते थे आजकल तो मेरे ख्याल से बंद है हैं अभी भी है अभी भी चल रहा है ना तो बस आपने हाथ क्यों लगाया आपको लेनी ही पड़ेगी वो चीज़ है ना तो ये बिल्कुल भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है और जायज़ नहीं है आप दूसरों को देख कर आप ऐसा धंधा ना करें कि नहीं हाथ लगाया तो अब ले पड़ेगा नहीं तो यहाँ यह है कि वो ज़मीन नहीं देखी है बे हो गए सौदा हो गया चलो ठीक है इतने लाख में और उसने कहा ठीक है इतनी ज़मीन है सब कुछ पता है बस लेकिन वो जमीन नहीं देखी है अब वो बंदा गया या जमीन मकान दुकान जो भी है वहाँ गया जाकर लोकेशन फिर लाइव देखा कि अच्छा ये यार नहीं नहीं चाहिए ये तो नहीं चाहिए तो मना कर सकता है अभी यानी वो सौदे को रद्द कर सकता है और आपको कैंसिल कबूल करना पड़ेगा कि ठीक है कैंसिल इसलिए कि तूने देखी नहीं थी हाँ देख ली थी देख रही भाई ये ज़मीन है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सब कुछ बता दिया ये ज़मीन है और इतने का अब सौदा हो गया वो घर गया फिर उसको ख्याल गया नहीं लेनी चाहिए अब वो आकर के रहनी मुझे नहीं खरीदनी आपके बस हो गया ख़त्म ये आप कर सकते हो ये आप कर सकते हो कि नहीं सौदा हो गया अब मुझे कैंसिल नहीं करना है हाँ दोनों आपस में रज़ामंदी से कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं लेकिन एक चाहता कि नहीं मैं मुझे तो कैंसिल नहीं करा मैंने बेच दिया तो बेच दिया है ना तो खैर कोई बात नहीं है इसलिए कि आपने दिखा कर बेचा था तो उस यानी बेचा जाने वाली जो चीज़ है वो यानी कि क्या होनी चाहिए उसका यानि कि मुआयना मशाहिदा उसे देख लें यानी कि देखभाल भी लें अब कोई अंधा है तो उसके लिए वो जैसी चीज़ हो चखने की चीज़ है तो चख कर उसे पता चलेगा छूने वाली चीज़ है तो छू कर पता चलेगा और कोई ऐसी चीज़ है जो उसको पता नहीं चल सकती तो उसे वो कहेगा कि मैं किसी को दिखाकर मशवरा करके फिर ले जाऊँगा ये भी कह सकते हैं बहरहाल तो इस तरह से यानी कि बे होती है इन शाला कुछ और यानि कि मसाइल जो हैं वो भी इन श्रा आइंदा सन्डे में हम बयान करेंगे से सैटरडे में असल वरह वर्क